हाँ। बारेश्वर से उठा के परकम्बा फिर के और अमरकंठ जाओ। अच्छा, अमरकंठ से आके और यहाँ पूरन हो जाएगी। हाँ। फिर यहाँ जल चढ़ाना था। अच्छा, जल चढ़ा के पहले तो परकम्बा फिरोगे। हाँ, मतलब यहाँ से सीधे गुजरात के लिए जाएं जहाँ संगम में मिलती हैं। हाँ, फिर संगम से लौट के यहाँ आए, फिर यहाँ से अमरकंटक जाए सीधे। नहीं, इधर नहीं आएगा। अच्छा, इस पार में आएगा। हाँ, उस पार से जाओगे। हाँ, उस पार से गए, इस पार आएंगे जी। इस पार से चले जाओगे तो ये नहा नहीं आओगे। हाँ हाँ, ये सीधा तुम जाओगे बढ़वाल से। हाँ, सीधा काटपुत के रास्ता। अच्छा, उधर निकलोगे। हाँ, और परकम्बा जैसे पैदल करोगे। हाँ, तो भी बढ़वाई से निकलेगा, यहाँ नहीं ओंकारेश्वर में नहीं आएगा। अच्छा, इस पार में। हाँ, छड़ा आदमी अकेला आ सकता है। हाँ, तो उसको भी बड़ा अड़चन पड़ता है, उसको जाने की जगह नहीं है इस पार में। अच्छा। हाँ, तो वो चले जाएगा सीधे हांडिया लिमाओ। हाँ, यहाँ से जाओगे ना बढ़वाई से तो हांडिया लिमाओ ही जाओगे। हाँ हाँ, लिमाओ जाओगे जी। और लिमाओ से फिर सीधा निकलोगे पैदल, हम ना करे पैदल। हाँ हाँ, हमारी पैदल यात्रा थी। अच्छा, आपकी पैदल थी। आपने कब की थी? हमने करे थे 94 में। अच्छा अच्छा, साल की बात नहीं है जी जी, 94 की बात जी। हाँ, तो फिर जल तो यहाँ जरूर चढ़ाना पड़ता है। हाँ, अगर तुम और कहीं से उठाओगे। हाँ, तो फिर भी जल यही चढ़ाना आना पड़ता है। हाँ हाँ, ओंकारेश्वर को जी जी, यहाँ जल नहीं चढ़ाओगे तो पूरन नहीं हो गई। हाँ हाँ, यही जल चढ़ाओगे और यहीं से उठाओ। हाँ, तो अपन को सुविधा अच्छी है जी जी, जल चढ़ाने की भी। हाँ, और उठाने की भी। हाँ हाँ, ये नियम है दोनों जगह का जी। अमरकंठ में तुम पूरण कर दोगे तो भी जल ओंकारेश्वर जरूर चढ़ाना आना पड़ेगा। हाँ हाँ, है कि नहीं जी जी। हाँ, इसलिए ओंकारेश्वर का मान ये है और दो जगह उठाने का है। हाँ, और टेम है, एक है शिवरात्रि का। अच्छा, और एक है 11 देव उठने का। अच्छा, इसके अलावा बीच में नहीं उठती। हाँ हाँ, ये तो अपना मन पूर्ण है कि जहाँ से जल भर लो और जहाँ से उठा लो। हाँ, बराबर है, इससे नहीं है जी। तो इसका शुरू में उठाओ देव उठने 11। हाँ, कार्तिक। हाँ, कार्तिक की 11 से उठाओ। हाँ, तो अपन भले 4 में करो। हाँ, 4 में करो। हाँ, या साल भर में करो जी, ये अपना चलने का नियम अनुसार। हाँ हाँ, है ना, शक्ति अनुसार। हाँ, या तुम साल भर में पूरी कर दो या महीना भर में पूरी कर दो जी जी जी, बस ये नियम है भैया। क्या जा, अब यही तुम मुंडन करा लो। हाँ, मुंडन करा को। हाँ, गौमुख से जल भरो जी, और वही पूजन पाठ करके। हाँ, और सीधा मोटका का रास्ता लग जाए। अच्छा अच्छा, तो ये जो जल भरते हैं तो ये जल साथ में लिए रहते हैं? ये जल साथ में रहता है। अच्छा, इसको खोलना नहीं। अच्छा, जो जल यहाँ से भर गया। हाँ हाँ, वो खुलता नहीं जी, ये वही माई में खुलेगा आज बीच में। हाँ हाँ, वहाँ माई में खुलेगा। हाँ, तो बिल्कुल थोड़ा सा डाल दो। हाँ, माई में मतलब माई की मड़िया में? मड़िया में नहीं। हाँ, सागर में। समझ। अच्छा, सागर में। हाँ, जहाँ मिलती हैं ये वहाँ पर जी। तो बीच में वो नावड़ी वाला छोड़ा लेता है। अच्छा, वो कहता है कि यहाँ छोड़ दो। हम्म, और जो अपन को दान दक्षिणा लोग देते हैं। हम्म, वैसे अपन माई में छोड़ दो जी। हाँ, माई में ही चलेगी नाव। हाँ हाँ, समुन्दर में तो जाएगा भी नहीं। हाँ हाँ हाँ, समुन्दर जैसी माई है भैया जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वहाँ तो जाके बहुत विस्तार हो जाता है। हाँ जी, ऐसा है कि दोनों तरह की कराई नहीं दिखाई देगी। हाँ हाँ, ऐसा समुंदर जैसी माई है। हाँ हाँ, तो वहाँ पर। और जैसे चलते समय क्या विधि विधान रहता है, नियम कायदे किस तरह के मानने पड़ते हैं? नियम? हाँ, नियम तो अब ऐसा है कि अपन जहाँ हो अपना मन हो मारे जाओ। अच्छा, उसका कोई ये नहीं। अच्छा, पर हो कि तो नर्मदा माई जिसके बच जाती है ना, वो तो चाहे आप महल में नहीं रहोगा। हाँ, वो
और मंदिर में जाके आप विश्राम कर लो। हाँ हाँ, जहाँ मंदिर पड़ता है वहाँ डेरा दे दो। मांगो मत। मांगने की कोशिश नहीं करना। जी जी, कि भाई हमको दो। हाँ हाँ, मांगना हो। हाँ, कि दो रोटी का आटा लेना जी और बना खा के। हाँ, और थ्रू। अच्छा, बस वही करना। हाँ, मतलब अपने पास संग्रह नहीं करना है। हाँ जी, अपने पास संग्रह नहीं करना जी। उसको बनाया खाया और ये चला। और रखना तो खाली एक टाइम का भोजन जी। एक टाइम का भोजन ऐसा हो जाए कि हम अपने यहाँ मन हो गया। हाँ, पानी देख लिया। हाँ, तो यही भोजन बनाने लग गया। हाँ हाँ, है कि नहीं जी। बस ज्यादा वजन नहीं। हाँ, पाए चलना हो तो। हाँ हाँ, और कभी गाड़ी मोटर से चलो तो फिर गाड़ी मोटर तो ऐसे जाएगी नहीं, पैदल ही करना है। हाँ, पैदल करना है तो बस। हम तो पैदल यात्रा गए थे जी जी जी, और दो यात्रा हमने गाड़ी की भी करी। अच्छा, और एक यात्रा हमारी पैदल हुई। हाँ, और ये एक यात्रा हमारी चारों धाम की भी, ऐसी तीन यात्रा हमारी वहाँ की बद्रीनाथ की हो गई। अच्छा अच्छा, तीन यात्रा बद्रीनाथ की भी हो गई। अच्छा हाँ, तो जैसे आपने जब पैदल यात्रा की और बस में यात्रा की, तो दोनों की यात्रा का अनुभव क्या रहा? दोनों का अनुभव ये है जी कि गाड़ी में जाओगे भैया तो उतना अपन को पैदल जैसा आनंद नहीं आएगा जी, है ना जी, क्योंकि जहाँ मिले वहाँ खाएंगे। हाँ, जहाँ गाड़ी बनाएगा। हाँ, वही खाएंगे भोजन। हाँ हाँ, और यहाँ ऐसे पैदल यात्रा में है नहीं जी, तो पैदल यात्रा में दो रोटी का भोजन मांगा और अपने सुबेदा देखा। मन चाहे जब उठ के चल दिया। जहाँ मन हो गया वहाँ सो गया। शांति रहती उसी में। जी जी जी, है जी, ऐसी हम तुमको बात बता रहे। बहुत बढ़िया बात बताई आपने। हाँ, और आराम से। तो अभी आप कौन से आश्रम में हैं? हमारी खुटिया है ये जो जेपी चौक है कि नहीं। हाँ, जेपी चौक है जी, और वहाँ से तुम दस पड़ी नीचे उतरो जी, और माई नीचे देखा जाएगी। हाँ हाँ हाँ, तो इस टर्म में मेरा ये ऐसा ही कलर का ये आश्रम है। हाँ हाँ, कलर आश्रम है। हाँ, तो मेरा गेट पे भैरू बाबा है। हाँ, अच्छा, इतना बड़ा अपना जैसा जी भैरू बाबा है, तो यही कलर का मेरा गेट भी है जी, और यही कलर का वो भैरू बाबा भी है। और तुम भले वो वहाँ जेपी चौक में जाते ही पूछ लो कि हाँ माता जी रहती वो कहाँ है। हाँ हाँ, तू बता देगा आराम से। हाँ, ओटला है जी, ओटला में ज्यादा बैठती नहीं। हाँ, मैं अंदर ही रहती हूँ जी। हाँ, तो यहाँ ओंकारेश्वर की आप रहने वाली हैं या बाद में आई? हम यहाँ, मेरे को 30 साल हो गए। अच्छा, यहाँ रहते जी जी, पड़ोस में पुनासा गांव है। हाँ हाँ, वहाँ का हमारा रिवास है। अच्छा अच्छा, एम पुनासा है ना जी जी, वहाँ का हमारा मुकाम जलमपत्री वहीं की जी जी, ऐसा है। मैं यहाँ अकेली हूँ। अच्छा, मैं परकम्बा फिर के जी मैं यही रहती हूँ। अच्छा अच्छा, मेरे को सूट नहीं हो भैया। हाँ, माँ नर्मदा ने निकाल के लाई। हाँ हाँ, दरबार से सब अच्छे। हाँ हाँ, और 50 आदमी यहाँ नर्मदा के लिए छोड़ने भी आए थे। अच्छा अच्छा जी, लेने भी आए थे। तबीयत अच्छी नहीं थी तो फिर वापस लौट गए जी।